हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, MySQL सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो MySQL की है। चलिए आइए देखते हैं MySQL में क्या सीखेंगे। तो यहां से सबसे पहले MySQL ओपन कर लेता हूं। तो ये MySQL इसको डाउनलोड किया मैंने, इसी को ओपन कर लेता हूं। यहां पर जो पासवर्ड है हमारा, उस पासवर्ड को एंटर करना होता है यूजुअली, तो यहां पर वो पासवर्ड मैं कर देता हूं एंटर और हम हो जाते हैं लॉगिन। तो यहां पर देख सकते हैं MySQL आ चुका है। अगर आपको टेबल बनानी है, ध्यान दीजिएगा, अगर आपको डेटाबेस बनाना है तो यहाँ पर डेटाबेस भी बना सकते हैं, और अगर आपको टेबल बनाना है तो टेबल भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कैसे डेटा, अगर बने हुए डेटाबेस पे काम करना है तो वो भी कर सकते हैं। तो कैसे ये होगा ये समझते हैं। तो डेटाबेसेस को यूज करना मैंने सिखाया है आपको। यहाँ पर आपको एक कमांड टाइप करना है, शो डेटाबेसेस, इस तरीके से टाइप करना है और यहाँ पर कोलन लगा करके एंटर कर देना है। तो आपको पूरा डेटाबेस का जानकारी मिल जाता है कि आपने कौन कौन से डेटाबेसेस बनाए हैं। लेकिन अभी फिलहाल हमको नया डेटाबेस बनाना है, तो यहाँ टाइप करेंगे क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, क्या टाइप करेंगे? क्रिएट डेटाबेस। ठीक है, तो इस तरीके से आप भी टाइप कर दीजिए क्रिएट डेटाबेस। तो ध्यान रखिए स्पेलिंग का, मुझसे गलती हो गई, आप गलती मत कीजिएगा। तो ये क्रिएट डेटाबेस लिख दिया। अब इस डेटाबेस का नाम क्या होगा? मैं यहाँ पर कस्टमर का डेटाबेस बना रहा हूँ, तो कस्टमर डी कर देता हूं। तो कस्टमर डी के नाम से डेटाबेस बना दिया, एंटर कर दिया, ये डेटाबेस बन गया। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? क्वेरी ओके, वन रो अफेक्टेड, यानी कि आपका डेटाबेस तैयार हो गया। अब यहाँ पर हमें बनानी है टेबल, तो यहाँ पे लिखेंगे क्रिएट टेबल। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको भी लिख देना है क्रिएट टेबल। तो ये कस्टमर के लिए हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, कस्टमर के लिए बना रहे हैं। ओके, तो ये कैसे बनेगा? क्रिएट टेबल लिखने के बाद क्या करना होगा हमें, आइए आगे समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे ही हम क्रिएट टेबल लिखेंगे, तो उससे भी पहले हमें क्या करना होगा, क्रिएट टेबल लिखने से पहले हमें यह बताना होगा कि हम किस डेटाबेस का यूज कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि यहां पर अभी हम करेंटली जो डेटाबेस देख रहे हैं वो कस्टमर डी नाम से बना हुआ है, लेकिन ऊपर और भी बहुत सारे डेटाबेसेस हैं। तो जब ऐसी कंडीशन आए तो आपको यहां लिखना है यूज, यूज कीवर्ड का यूज करना है। यहां पर लिखिए यूज, और फिर उस डेटाबेस का नाम आप दे दीजिएगा जिस डेटाबेस को आप यूज करना चाहते हैं, यानी कस्टमर डी, यानी इसी डेटाबेस को हम यूज करना चाहते हैं। और यहां से टर्मिनेट कर दीजिएगा, डेटाबेस चेंज हो जाएगा। अगर आप किसी और डेटाबेस को लेना चाहते हैं तो यहां वापस से यूज लिखिए। जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट नाम के डेटाबेस को लेना चाहते हैं, तो यहां लिखिए स्टूडेंट, बस आपको यही लिखना है, टर्मिनेट करना है। यहां पर देखिए डेटाबेस चेंज हो गया, लेकिन फिलहाल हमें लेना है किसको, कस्टमर वाले ही डेटाबेस को लेना है। तो यहां पर लिखेंगे हम कस्टमर डी, यानी डेटाबेस, ये लिख करके और यहाँ टर्मिनेट कर देंगे, तो फिर देखिए डेटाबेस चेंज हो गया है। तो इस तरीके से आप डेटाबेस चेंज करना हो तो कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि बात आपके समझ में आ रही होगी। अब हमको यहाँ पर क्या करना है, टेबल बनानी है। टेबल कैसे बनेगा, चलिए ये समझते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे क्रिएट टेबल, ये हमें लिखना है क्रिएट टेबल। ये लिख दिया क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल लिखने के बाद ये टेबल बनेगी कस्टमर की। तो ये लिख दिया कस्टमर और टी लिख देता हूं टेबल के लिए, टी। ठीक है, और यहां पर क्या करेंगे, कस्टमर की आईडी देंगे। तो ये लिखा कस्टमर और फिर यहां अंडरस्कोर लगा के आईडी दे देते हैं, तो ये हो गया कस्टमर आईडी। ओके, कस्टमर आईडी कौन सा डेटा टाइप होगा वो हमें देना है। तो यहां पर कस्टमर आईडी इंट डेटा टाइप होगा, तो यहां इंट दे दिया हमने। ठीक है, इसके बाद जो दूसरा होगा वो क्या होगा, वो प्रोडक्ट यहां पे दे दिया हमने, दूसरा जो हमने फील्ड डाला वो प्रोडक्ट के नाम पे। और ये कौन सा डेटा टाइप होगा, ये होगा वेयर केयर, तो ये लिख दिया वेयर केयर, साइज यहाँ 30 रख दी हमने, कॉमा दे दिया। अब क्या करेंगे, अब यहाँ देंगे प्राइस, पी आर आई सी प्राइस, और प्राइस को कौन सा डेटा टाइप दे देंगे, लाइक हम दे देते हैं डेसिमल या फिर फ्लोट डेटा टाइप दे देते हैं, फ्लोट एफ एल ओ ए टी फ्लोट दे दिया। बस आपको ऐसे ही कर देना है, और अब आगे हमें क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है। क्या करना है, ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो यहां से ब्रैकेट को क्लोज करके टर्मिनेट कर दीजिए, ये टर्मिनेट कर दिया और एंटर कर दीजिए। जैसे ही एंटर करेंगे तो यहां पे लिखा हुआ आ गया है क्वेरी ओके। तो बस आपकी क्वेरी ओके है। अब हमें क्या करना है, इस बने हुए टेबल को डिस्क्रिप्शन देखना है, मतलब क्या क्या हमने इसमें लगाया था, कौन कौन सा डेटा टाइप यूज किया था, ये देखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर डीईएससी एक कीवर्ड है उसको लिखते हैं, और यहां पर अपने टेबल का नाम दे दीजिए कस्टमर टी। बस यही आपको देना है, ये दे करके क्या करना है, जैसे ही ये देंगे नाम तो फिर अब आपको यहाँ पर टर्मिनेट करना है। तो टर्मिनेट इस तरीके से कर दीजिए, और आप देख पाएंगे कि ये इस तरीके से बना हुआ है, तीन ही फील्ड हमने डाली है इसमें, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये आया हुआ है। उम्मीद कर रहा हूं कि बात समझ में आ रही होगी। ओके,
अब हम क्या करेंगे, अब हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे, करने की कोशिश करते हैं, यानी टेबल को ही सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे सेलेक्ट कीवर्ड का यूज हो सकता है, जैसे कि आप एसक्यूएल सर्वर में करते हैं, तो यहाँ सबसे पहले लिखा सेलेक्ट, और सेलेक्ट लिखने के बाद यहाँ पे लगाइए स्टार फ्रॉम, अब कहां से सेलेक्ट करना चाहते हैं वो आपको देना है। तो जैसे मान लीजिए मैं सेलेक्ट करना चाहता हूँ कस्टमर टी नाम के टेबल से, तो ये लिखा कस्टमर, फिर लिखा टी, और इसको कर दिया टर्मिनेट। तो जैसे ही टर्मिनेट करेंगे तो यहाँ लिखा हुआ आएगा एम्प्टी सेट, यानी कि अभी हमने इसमें कोई डेटा ही नहीं इंसर्ट कराया, तो फिर इसमें दिखाएगा कैसे। तो डेटा तो इंसर्ट कराना होगा हमको, तो डेटा इंसर्ट करवाएंगे पहले, ठीक है। कैसे रिकॉर्ड इंसर्ट कराएंगे, आइए समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहां पर लिखना है इंसर्ट इनटू, तो यहां पर लिख दीजिए इंसर्ट, फिर गैप देकर के लिखिएगा इनटू। अब किसमें इंसर्ट करा रहे हैं, तो उस टेबल का नाम हमें देना है, ठीक है। तो हम इंसर्ट करा रहे हैं कस्टमर टी में, तो यहां लिख दीजिए कस्टमर, फिर लिख दीजिए टी, यानी कि जिन फील्ड्स में हमें इंसर्ट कराना है वैल्यू, यानी पहला है कस्टमर आईडी, तो यहाँ पर कस्टमर अंडरस्कोर आईडी ऐसे दे दीजिए, कॉमा दे दीजिए, फिर क्या देना है, फिर यहाँ देना है प्रोडक्ट, तो यहाँ पर दे दीजिए प्रोडक्ट, फिर यहाँ पर हमें कॉमा देना है, कॉमा देने के बाद फिर नेक्स्ट क्या है, प्राइस है, तो यहाँ पर दे दीजिए प्राइस, प्राइस देने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए और कर दीजिए एंटर, ठीक है। आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है, यहाँ से एंटर जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपका कर्सर यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर आप देना है हमें वैल्यूज, ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज क्या फिल होंगी वो हमें देखना है। तो यहाँ पे दे दिया वैल्यूज, और यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन किया, और यहाँ पर पहली वैल्यू यानी कि वन देंगे कस्टमर आईडी, ठीक है। वन देने के बाद क्या करना है, वन देने के बाद कॉमा लगाना है, कॉमा लगाने के बाद फिर सिंगल डॉटेड कॉमा ओपन करना है, और यहाँ पर प्रोडक्ट का नाम देना है, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ एम ओ यू एस ई माउस, तो ये प्रोडक्ट का नाम कर दिया हमने, स्मॉल ओ रहेगा एम ओ यू एस ई, तो ये कर दिया हमने, और यहाँ पर कॉमा लगाया, कॉमा लगाने के बाद क्या करना है, कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे प्राइस डालनी है, तो यहाँ पर ₹500 प्राइस कर दिया हमने। प्राइस करने के बाद यहाँ पर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर सिंगल डॉटेड कॉमा ओपन और क्लोज दोनों ही होना चाहिए, ठीक है, फिर से एक बार सही कर लेते हैं इसको, ये हो गया सिंगल डॉटेड कॉमा ओपन और ये हो गया क्लोज। तो ये करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए, और ब्रैकेट को क्लोज करने के बाद क्या करना है आपको, सिंपली प्रेस करना है एंटर, आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है टर्मिनेशन देने के बाद, तो ये टर्मिनेशन दिया और अब प्रेस किया एंटर, तो यहाँ लिखा हुआ आ गया वन रो अफेक्टेड, देख सकते हैं हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एक्सिक्यूट हो गया। अब हम सेलेक्ट कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, तो चलिए सेलेक्ट कीवर्ड का यूज करते हैं, ये लिखा सेलेक्ट, और कहां से सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर दे दिया फ्रॉम, और टेबल का नाम है कस्टमर टी, तो बस यहाँ पर दे दीजिए कस्टमर टी और टर्मिनेट कर दीजिए, बस आपकी टेबल आपके सामने है, एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट कराया था। ऐसे ही MySQL आप यूज कर सकते हैं, उम्मीद करता हूं कि पूरी बात आपको क्लियर हो गई होगी कि MySQL को कैसे यूज करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।